नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके अलावा प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फूड एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, उसके बारे में स्टडी किया। आज इस वीडियो में हम कैनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जैम और जेली, जैसे कि जेली में क्वेश्चन पूछा जाता है या कैनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कैनिंग होता क्या है, तो कैनिंग की जैसे निकोलस एपल्ट जो है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कैनिंग बोला जाता है या एपल्टाइजेशन, इसको हम कैनिंग को क्या बोलते हैं, एपल्टाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कैनिंग क्रिया का जो प्रोसीजर है, कह सकते हैं कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल इसका ये है कि हम जो सील कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसको हम सील रहता है, और उसको हम स्टीम के माध्यम से अर्थात हीट के माध्यम से, कह सकते हैं कि हीट के माध्यम से हम फूड को स्पाइलेज होने से बचाते हैं। तो इसके लिए जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पाइलेज ऑर्गेनिज्म, अर्थात हम जो स्पाइलेज ऑर्गेनिज्म होता है उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं विद इन द सील कंटेनर बाय हीट, ये मेजर प्रिंसिपल है आपका कहेंगे कि कैनिंग का। अब कैनिंग प्रोसीजर कैसे होता है, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है कैनिंग क्रिया में, सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल, अर्थात हम फ्रूट और वेजिटेबल का सिलेक्शन करते हैं जिसकी हमें कैनिंग क्रिया करनी है। उसके बाद हम ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब है कि उसकी साइज के आधार पर, उसकी मैच्योरिटी के आधार पर हम उसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल को। उसके बाद है वाशिंग, तो उसको धुलाई करना, विशेष ये कोई इंपॉर्टेंट क्रिया नहीं है, लेकिन ये प्रोसीजर इसी तरीके से कैनिंग क्रिया की होती है। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में प्रोसीजर तो कहीं पूछा नहीं जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ही पूछा जाएगा। ये जो की क्रिया होती है पीलिंग, तो ये पूछा जाता है। पीलिंग क्रिया में आपका चार तरीके का हो सकता है, एक तो हैंड अर्थात बाई हैंड जब हम करते हैं, जैसे कि मैंगो हुआ, पपाया हुआ, इसमें हम फ्रूट का जो कर्ल, पीलिंग मतलब क्या होता है कि पहले ये जान लेते हैं, पीलिंग का मतलब होता है जैसे कि ये आपका मैंगो है या आपका पोटैटो है, तो पोटैटो का जो ऊपरी स्किन होता है, कवर होता है, उसको रिमूव करना, तो वो क्रिया आपकी पीलिंग के अंतर्गत आती है। अब उसको हम हैंड के माध्यम से अर्थात हम मैनुअली कह सकते हैं, या स्टीम जैसे भाप के माध्यम से। भाप का सबसे सिंपल अगर एग्जाम्पल हम देखें 40 सेंटीग्रेड पे 10 से 60 सेकंड के लिए, या कह सकते हैं कि पोटैटो जनरली स्टीम के अर्थात भाप के द्वारा उसको हम जो ऊपरी कवर होता है उसको रिमूव करते हैं, तो ये सभी को मालूम होगा। उसके अलावा मैकेनिकली है, मैकेनिकली जैसे टर्निप हुआ, कैरेट हुआ, उसके जो होता है नाइफ के माध्यम से या अदर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम उसको इक्विपमेंट से रिमूव करते हैं। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है ले, तो ले क्या होता है, ले यही पूछा जाता है, ले इज, तो ले 1-2% सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, अर्थात ले क्या होता है, इसका हम पीलिंग के लिए यूज करते हैं, और ये होता है 1-2% अर्थात 1-2% का कास्टिक सोडा का सोल्यूशन होता है, और जिसमें हम 30 सेकंड से 2 मिनट के लिए बॉयल जब होता है, ये कास्टिक सोडा अगर वो वाटर में मिला के जब हम मिला देते हैं, तो जब वो बॉयल हो जाता है तो बॉयलिंग कंडीशन में 30 सेकंड से 2 मिनट के लिए जब हम उसको रखते हैं, चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो जैसे पोटैटो हुआ, तो ये इस तरीके की जो पीलिंग होती है वो क्या कहलाती है, ले, और ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है क्योंकि बड़ी आसानी से बड़ी कम समय में इसका हो जाता है। तो इसमें जो कम्पिटेटिव एग्जाम की डिस्कोर्स से यही एग्जाम्पल है, ले, ले किसका सोल्यूशन है, तो 1-2% सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और इसको हम क्या नाम कहते 30 से 120 सेकंड के लिए डिपिंग, जो बॉइलिंग आपका ये सोल्यूशन होगा उसमें हम आपका जो पोटैटो है या कोई भी जिसको हम रिमूव करना है वो डाल देते हैं। उसके अलावा होता है फ्लेम, तो फ्लेम का ये जो होता है सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका है गार्लिक और ओनियन, तो फ्लेम के माध्यम से हम उसको जो है क्या नाम का पीलिंग क्रिया करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पीलिंग जो है ले पीलिंग जो कास्टिक सोडा में होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपरी कवर रिमूव हो गया तो हम कटिंग करते हैं उसको, अर्थात हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, चाहे वो फ्रूट है या वेजिटेबल है। उसके बाद फिलिंग,
अर्थात फीलिंग। अब हम उसको बॉटल में क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। हमारा एक बॉटल होगा जो पूरी तरीके से स्टरलाइज होगा, उसमें हम उस चीज़ को फिल करते हैं। तो फिल करने में दो क्रियाएं होती है, एक तो कहेंगे कि सिर्फिंग होता है और एक ब्राइनिंग। तो ये सिर्फिंग और ब्राइनिंग, तो ये जनरली पूछा जाता है सिर्फिंग और ब्राइनिंग किस में होती है। तो सिर्फिंग जो होता है आपका सिरप अर्थात शुगर, तो शुगर में जब हम जनरली ये किसके लिए यूज होता है, यही पूछा जाता है फ्रूट के लिए। 30 से 55% के सोल्यूशन जब आपका शुगर रहेगा, उसमें जब हम कोई फूड प्रोडक्ट रख के उसको हम सीलिंग की क्रिया करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिरपिंग क्रिया या सिरपिंग या सिरप। उसके बाद है ब्राइनिंग क्रिया। ब्राइनिंग जो क्रिया की जाती है वो वेजिटेबल में की जाती है। ब्राइनिंग क्रिया किस में की जाती है, वेजिटेबल में। जनरली 2% जो आपका नमक सोल्यूशन होगा उसको मिला के हम इसको स्टोर करते हैं, तो ये आपकी ब्राइनिंग क्रिया हो जाएगी। और ये जनरली किस में होती है, वेजिटेबल, तो यही पूछा जाता है, वेजिटेबल में होता है। और दूसरी चीज़ ये है, एक हाँ एक चीज़ ये होती है कि जनरली जो ऑल फ्रूट हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल फ्रूट इज एसिडिक इन नेचर जनरली। अब ऐसा नहीं कि साइट्रिक एसिड जो हो जाएगा तो क्या नाम का मतलब कि साइट्रिक एसिड तो फ्रूट जो है एसिडिक है। उसके अलावा जैसे वेजिटेबल है, और ऑल वेजिटेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कलाइन नेचर के। ये दो चीज़ें हैं, अर्थात जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के, और जो वेजिटेबल होते हैं वो क्या होती है, अल्कलाइन नेचर के। लेकिन जैसे अब टोमेटो है, टोमेटो आपका एसिडिक नेचर का होगा, तो ये कह सकते हैं कि अपवाद रूप में है। बाकी जनरली जो वेजिटेबल होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए हम उसको ब्राइन के द्वारा सुरक्षित रखते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जब हम फिलिंग करते हैं तो जनरली 0.32 cm से लेकर 0.44 cm तक, अर्थात कि स्पेस छोड़ देते हैं। जैसे कि जब ये बॉटल होता है, जनरली जब हम सब थे तो जब तक ये मालूम नहीं था, तो ये होता है कि इतना छोड़ देता है कंपनी जो है वो हमें कम देती है, या ऐसा कुछ होता है। लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न होता है कि जैसे कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये CO2 का जो है रिलीज करेगा, तो क्या होता है कि ये CO2 जब रिलीज करेगा भाई, ट्रांसपायरेशन इसमें होगा या रिस्पायरेशन की क्रिया होती ही है फ्रूट में या वेजिटेबल को जिसकी हम कैनिंग कर रहे हैं, उसमें रिस्पायरेशन होगा। तो CO2 O2, तो इससे क्या होता है कि ये जो अगर स्पेस रहता है तो उससे स्पॉइलेज होने के जो कण होते हैं वो कम हो जाते हैं, चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए कोई भी दवा हो, कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट हो, देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया आती है एग्जास्टिंग, अर्थात इसमें क्या करते हैं हम कि जो एयर होता है, जो आपका एयर है जो हम सील कर दिए हैं, तो जो बॉटल में एयर है उसको हम रिमूव करते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए हम क्या करते हैं कि 79 to 82 °C टेम्परेचर पे क्या करते हैं, उसको हम गर्म करते हैं। तो इसको हम फिलिंग करने के बाद, इसको हम एग्जास्टिंग की जो क्रिया होती है वो फिलिंग कर होने के बाद की जाती है। तो ये टेम्परेचर कभी कभी पूछा जाता है 79 to 80°C। उसके बाद होता है सीलिंग, तो अर्थात हमने यहाँ फिलिंग कर दिया, एग्जास्टिंग कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सील कर देंगे, क्योंकि हमारा फूड प्रोडक्ट जो है वो उसमें बॉटल में हो गया है। तो बॉटल में जब वो हो गया है, मतलब कि फिलअप हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि उसको सील कर देंगे। तो टेम्परेचर शुड नॉट बिलो 74, अर्थात सीलिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 74 °C टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारी प्रोसीजर होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि हम इसको हीट करते हैं, जो आपका सील हो गया है, तो अर्थात ये अगर एक बॉटल है तो ये पूरा बॉटल आपका सील हो गया। अब उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसको हम गर्म करते हैं। तो हीटिंग ऑफ द फूड फॉर प्रिजर्वेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्रिया में हम कह सकते हैं कि 100 °C टेम्परेचर फॉर फ्रूट बिकॉज इट इज एसिडिक नेचर, और मतलब कि ये जनरली 100 या 100 से कम होता है। फ्रूट का जो हम प्रोसेसिंग करते हैं उसका टेम्परेचर जो होता है 100 या 100 से कम हो सकता है, लेकिन जनरली जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके लिए 116 से 121 °C टेम्परेचर होता है। किसके लिए, आपकी प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, उसको हम कूल करेंगे, क्योंकि आपका ये टेम्परेचर हाई रहेगा, तो उसको हम
जो फ्रूट है या वेजिटेबल है जो एक कह सकते हैं कि बॉटल में रखा हुआ है, उसको हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के लिए जनरली 39 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर कूलिंग। उसके बाद हम उसको स्टोरेज करते हैं, अर्थात इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्टोर कर लेंगे। तो ये टोटल क्रिया क्या हो गई, ये आपकी कैनिंग क्रिया हो गई। तो कैनिंग क्रिया का मतलब ये हो गया कि जनरली अगर एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे उसका प्रिंसिपल यही है कि हीट के माध्यम से जो है हम फूड को स्पाइल होने से बचाते हैं विद इन ए कंटेनर, कंटेनर में रख के, और वो जो कंटेनर रहता है वो क्या होता है, सील होता है। तो ये कैनिंग क्रिया हो जाती है, मेन प्रिंसिपल ये हो गया। अब कैनिंग में बस एक बार फिर देख लेते हैं, जो एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ले है, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन होता है 1-2% होता है। सिरपिंग क्रिया किस में होती है, फ्रूट में होती है, अर्थात सिरप, ये क्या नाम का, हम शुगर मिलाते हैं। और ब्राइनिंग क्रिया अर्थात हम ब्राइन अर्थात साल्ट मिलाएंगे, और वो वेजिटेबल में मिलाया जाता है जनरली 2%, ये भी पूछा जाता है। ये जो एग्जास्टिंग का टेम्परेचर दिया गया है, सीलिंग का टेम्परेचर है या प्रोसेसिंग का, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ब्लांचिंग। तो ये क्रिया कभी कभी पूछी जाती है कि ब्लांचिंग क्या है, तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल विथ बॉइलिंग वाटर आर स्टीम फॉर शॉर्ट पीरियड फॉलोड बाई कूलिंग पीरियड टू कैनिंग। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं कि कैनिंग से पहले जो होता है फ्रूट और वेजिटेबल को बॉइलिंग या स्टीम के माध्यम से जो है वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए बॉयल करते हैं, उसके बाद हम उसको ठंडा कर लेते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग। इसको हम एज ए स्कॉल्डिंग भी कहते हैं या पर बॉयलिंग। पर बॉयलिंग जैसा कि इसमें होता है, अगर आप देखेंगे कि जो ये कभी कभी पूछा जाता है पर बॉयलिंग या प्री कुकिंग, तो पर बॉयलिंग इज कहेंगे कि राइस, राइस अर्थात पैडी में, तो राइस में जो है, राइस में पैरा बॉयलिंग क्रिया की जाती है। तो ये होता है उसको, मतलब कि एक कह सकते हैं कि उसका कंजर विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी एक ऐसा है विटामिन जो कि अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हम पर बॉयलिंग या स्केल्डिंग क्रिया करते हैं। उसके अलावा इसका लाभ क्या होता है, एक लूज स्किन हो जाता है, अर्थात अगर ब्लांचिंग क्रिया हो जाती है तो फ्रूट और वेजिटेबल का जो होता है वो स्किन लूज हो जाती है। और जो एंजाइम होते हैं मेजर, यही कभी कभी पूछ लिया जाता है ब्लांचिंग हम करते क्यों हैं, तो ब्लांचिंग करने के पीछे बस यही रीजन है, इन एक्टिवेट द एंजाइम एंड इम्प्रूव टेस्ट एंड फ्लेवर। और कभी कभी टेस्ट और फ्लेवर जो होता है आपका फ्रूट या वेजिटेबल होगा उसका इम्प्रूव हो जाता है। तो जनरली हमारा ब्लांचिंग करने की क्रिया के पीछे रीजन यही होता है कि इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। उसके बाद ब्राउनिंग क्रिया होती है, ब्राउनिंग जैसे कि हमने बताया था एप्पल में एंजाइम के कारण ब्राउनिंग क्रिया होती है, एंजाइम के कारण, या मिलाल्ड रिएक्शन जो है ये भी ब्राउनिंग के एक कारण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं एक चैप्टर से, जैसे कि एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री, कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो फूड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज आपका कहाँ पाया जाता है, सालविया में पाया जाता है, सलाइवा में। और सलाइवा में इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्टार्च पे काम करता है, अर्थात एमाइलेज किस पे काम करता है, तो ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का भी एक हो गया पोर्शन, और एंजाइम का फूड इंडस्ट्री में काफ़ी मेजर रोल होता है। जैसे कि आपका स्टार्च है, स्टार्च के लिए आप क्या यूज करेंगे, एमाइलेज जो सलाइवा में पाया जाएगा। पेप्सिन हुआ, पेप्सिन किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। उसके अलावा लाइपेज हुआ, लाइपेज आपका लीवर में पाया जाता है, और ये किस पे काम करता है, फैट पे। अर्थात पेप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे, एमाइलेज स्टार्च पे, और लाइपेज किस पे करता है, फैट पे काम करता है। उसके अलावा रेनिन है, रेनिन हम कर्ड अर्थात चीज़ प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं, रेनिन का यूज जो है चीज़ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, उसको फाड़ने के लिए। उसके बाद है फूड कलर, अर्थात फूड कलर, फूड में कौन कौन से जो कलर मिलाए जाते हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो वो नेचुरल होते हैं और कुछ कलर उसमें आर्टिफिशियली मिलाए जाते हैं। तो फूड अगर कलर की बात की जाए तो फूड कलर नेचुरल हो गए और आर्टिफिशियल। तो अगर हम नेचुरल कलर की बात करें तो नेचुरल कलर में आपका जैसे है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, ये येलो ऑरेंज कलर का, अर्थात अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल में येलो ऑरेंज कलर है तो इसका मतलब उसमें कैरोटीनॉइड्स की मात्रा पाई जाती है। और ये कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है, अर्थात कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, वो फैट
शामिल होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कभी कभी पूछा जाता है, मैंगो हुआ कैरेट हुआ, अर्थात मैंगो और कैरेट का जो येलो ऑरेंज कलर होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड्स के कारण होता है। अब इसमें कैरोटीनाइड्स में जैसे आपका टोमेटो हुआ, तो ये आपका कैरोटीनाइड्स में अगर टोमेटो हुआ, टोमेटो है, तो टोमेटो में जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ब्लैक पीपर है, ब्लैक पीपर में किसके कारण होता है, या कह सकते हैं कि जो ब्लैक पीपर, तो वो कैप्सेथिन के कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। कैप्सेसिन अर्थात चरपराहट, और कैप्सेथिन अर्थात उसमें लाल रंग। तो ब्लैक पीपर नहीं, ब्लैक कह सकते हैं कि ये मिर्च जो होती है, क्या नाम का, लाल चिली, रेड चिली जो होता है, उसमें कैप्सेथिन के कारण। उसके बाद है आपका, अगर देखा जाए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जनरली ग्रीन कलर देता है, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। तो अगर किसी भी पौधे का या किसी भी फ्रूट का जो हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल, वो आपको सिंपली है, वो मालूम है, एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण जो है आपका रेड कलर, ब्लू कलर या पर्पल कलर, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? ब्लू कलर, रेड कलर, या रेड ब्लू या पर्पल कलर। जैसे ब्रिंजल हुआ, ब्रिंजल हुआ, जामुन हुआ, जामुन में पर्पल कलर, तो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। या एप्पल में जो कलर पाया जाता है वो क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद है एंथो, अर्थात क्या नाम के, एंथोजेंथिन, तो ये क्रीम येलो कलर देता है। उसके अलावा है फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड्स क्या होते हैं? क्रीम वाइट कलर, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पहली चीज़ हो गया। उसके बाद क्रीम वाइट कलर, जैसे क्रीम वाइट कलर के जो भी आपके फ्रूट या वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं, तो वो क्या है? फ्लेवोनाइड्स हैं। जैसे कि आपका पोटैटो हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, पोटैटो और कॉलीफ्लावर का जो कलर होता है वो फ्लेवोनाइड्स के कारण होता है। जनरली वो क्रीमी कलर का होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मैंगीफेरिन हुआ, बेटानिन्स हुआ, बीट्स में पाया जाता है, ये भी क्या नाम का, टैनिन्स हुए। उसके बाद है सिंथेटिक कलर। तो सिंथेटिक कलर जो होता है, क्या नाम का, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, और जो हम फूड में मिलाते हैं। तो जनरली इसकी कितनी रिकमेंडेड डोज है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर पीपीएम में पूछा जाएगा तो 200 ppm, अर्थात किसी भी फूड प्रोडक्ट में 200 ppm से ज़्यादा सिंथेटिक कलर नहीं मिलाना चाहिए, या 0.2 g/kg, अर्थात अगर आपका 1 kg फूड प्रोडक्ट है तो उसमें केवल 2 g आप सिंथेटिक कलर मिला सकते हैं। उसके बाद ये जैसे है कि एक ये होता है कि अगर आपका कलर प्रोडक्ट है तो इसमें हम बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं, अर्थात पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है उसका यूज नहीं करते, KMS का यूज कलर प्रोडक्ट में नहीं किया जाता है। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। उसके बाद है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल आयल, बीड, तो इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट क्या है? BHA, BHT, या एस्कार्बिक एसिड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, तो ये सभी क्या हैं? आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये भी कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जैसे BHA हुआ, तो ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, तो ये सभी पूछा जाता है। या प्रिजर्वेटिव की बात की जाए, तो प्रिजर्वेटिव में आपके शुगर हुआ, साल्ट हुआ, एसिड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ये सभी क्या हैं? आपके प्रिजर्वेटिव हैं। उसके बाद सरफेस एक्टिव, तो ये कभी कभी पूछा जाता है, सरफेस एक्टिव एजेंट कौन सा होता है? तो जैसे मोनोसोडियम फास्फेट, सरफेस एक्टिव, अगर हम बात करें सरफेस एक्टिव एजेंट की, तो मोनोसोडियम अर्थात वो क्या होगा, ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मोनोसोडियम फास्फेट, तो ये पूछा जाता है। तो ये मोनोसोडियम फास्फेट आपको याद रखना है। उसके बाद कलरिंग एजेंट है, तो कलरिंग एजेंट में जैसे आपका सेफ्रोन हुआ, ये सेफ्रोन आपको बताया गया है, राइप स्टिग्मा, अनराइप स्टिग्मा, तो उसके बाद करमेल हुआ या एनेटो, तो करमेल, कर्मेलाइजेशन एक क्रिया होती है जिसमें हम हाई टेम्परेचर पे जो ड्राई शुगर होता है, ड्राई शुगर को हम जब हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि ब्राउन कलर का हो जाता है, वो भूरा कलर पकड़ लेता है, तो उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कर्मेलाइजेशन। और इस क्रिया से जो शुगर प्राप्त होता है, जो ब्राउन पदार्थ प्राप्त होता है, मैटर, उसको हम बोलते हैं कर्मेल। तो ये कभी कभी पूछा जाता है।
कैरामेल। तो उसके बाद है स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर के रूप में हम जैसे कि है पेक्टिन हुआ, जिलेटिन हुआ, स्टार्च हुआ, तो इन सभी का हम स्टेबलाइजर के रूप में जैसे जेली हुआ तीन में यूज करते हैं। उसके बाद है कि आपका फ्लेवरिंग एजेंट है, तो फ्लेवरिंग एजेंट में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज किया जाता है। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे फूड स्पॉइलेज। ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको वीडियो में डाला हुआ है। और इससे बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। हालांकि अगर अब कोई जेआरएफ हॉर्टिकल्चर तैयारी कर रहा है तो वहाँ इससे क्वेश्चन आने के चांसेस इससे डीपली बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी कोशिश ये है कि इससे बाहर न आए। उसके बाद है कि वोलाटाइल कंपाउंड कुछ होते हैं, हाँ ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो पहले ये देख लेते हैं, जैसे कर्मलाइजेशन हमने बताया था, शुगर इन ड्राई कंडीशन हाई टेम्परेचर ब्राउन मास प्रोड्यूस होता है, और मिलार रिएक्शन जो होता है ब्राउन कलर इन लो टेम्परेचर, अर्थात जब हम शुगर को क्या नाम का लो टेम्परेचर पे करते हैं ब्राउन कलर प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिलार्ड रिएक्शन। और कर्मलाइजेशन जो होता है, कैरामेलाइजेशन जो होता है, वो आपका शुगर हीट जो होता है, जब हम शुगर को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो ये कभी कभी पूछा जाता है। हाँ एक चीज़ हम ये बताने चल रहे थे कि जैसे कि आपका वोलाटाइल कंपाउंड पाया जाता है, जैसे एप्पल है, तो एप्पल में 2-methyl butyrate पाया जाता है, या कहेंगे कि बनाना हुआ तो आइसोपेंटाइल एसीटेट पाया जाता है। इसके बारे में हमने वीडियो वैसे हमने ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया है जो पब्लिकली हमने बनाया था। उसके बाद अब हम बात करेंगे फ्रूट बेवरेज की। तो फ्रूट बेवरेज दो तरीके के होते हैं, एक अनफर्मेंटेड होते हैं और फर्मेंटेड। बेवरेज क्या है, बेवरेज के जैसे कि ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बॉटनी, जैसे मेरा पीसीएस का जो दूसरा सब्जेक्ट था वो बॉटनी था, एग्रीकल्चर और बॉटनी। तो बॉटनी में बॉटनी पूछा जाता है, इकोनॉमिक बॉटनी में बेवरेज हुआ, जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेवरेज जो होता है अदर देन ड्रिंकिंग प्रोडक्ट, मतलब वाटर के अलावा जो भी ड्रिंकिंग प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेवरेज। तो ये दो तरीके के होते हैं, अनफर्मेंटेड और फर्मेंटेड। अर्थात फर्मेंटेड ऐसे हैं कि नॉट अंडरगो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अर्थात जिनका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होता, अर्थात उनका ईस्ट क्रिया उसमें नहीं होती है, तो उसको हम अनफर्मेंटेड बोलते हैं। तो अब इसमें पूछा जाता है अनफर्मेंटेड कौन से हैं, तो जैसे RTS हुआ, रेडी टू सर्व, जिस वर्ष हमने JRF दिया था तो ये पूछा गया था कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि रेडी होता है सर्व के लिए। तो इसका पूरा नाम ही है RTS, अर्थात रेडी टू सर्व। उसके बाद नेक्टर हुआ, कॉर्डियल हुआ, सिरप हुआ, फ्रूट जूस हुआ, हालांकि नेक्टर है, कॉर्डियल है, तो ये सभी भी रेडी होते हैं सर्व के लिए, लेकिन अब उसमें कन्फ्यूजन हो गया था। उसके बाद फर्मेंटेड है, अर्थात फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका यीस्ट द्वारा फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि आपका नीरा है, नीरा जो है। उसके बाद सीडार, जैसे एप्पल, एप्पल के जो जूस से हम प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीडार। या फेनी हुआ, कैशूनट से प्राप्त किया जाता है, या पाम टी से जो प्राप्त किया जाता है उसको हम नीरा बोलते हैं। तो ये जनरली सीडार पूछा जाता है, सीडार जो है वो क्या है आपका, कहेंगे कि एप्पल फ्रूट जूस से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद पोर्ट हुआ, उसके बाद जो सैम्पेन मतलब की होती है अल्कोहल हुए, जो भी अल्कोहल है वो सभी क्या है, फर्मेंटेड है। उसके बाद ये कुछ फूड स्पाइलेज के जो कॉमन कह सकते हैं कि जिनके द्वारा फूड स्पाइलेज होता है, जैसे पेनिसिलियम स्पीसीज हुआ, तो पेनिसिलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लू मोल्ड, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो पेनिसिलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लू मोल्ड। उसके बाद एस्परजिलस है, तो एस्परजिलस को क्या बोला जाता है, ब्लैक मोल्ड, अर्थात एस्परजिलस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड, और पेनिसिलियम को ब्लू, और म्यूकर को हम क्या बोलते हैं, ग्रे मोल्ड या पिन या ब्रेड मोल्ड। तो इसको हम ग्रे पिन या ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है एक एस्परजिलस फ्लेवस, ये कभी कभी इंटरव्यू में भी, ये जब फूड सेफ्टी इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें काफ़ी बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जो भी स्टूडेंट जा रहे थे इंटरव्यू में। एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस ए एप्लोटॉक्सिन, अर्थात ये क्या करता है, एक एप्लोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस फ्लेवस जो है, और ये किस में करता है, ग्राउंड नट क्रॉप में,
अर्थात ग्राउंड नट क्रॉप में ये एफ्लोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और ये किसके कारण होता है, एस्परजिलस फ्लेवस के कारण। तो ये हो गया हमारा मेजर जो इसमें अब कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ TSS, अर्थात TSS मापने के लिए हमने बताया ही है रिफ्रेक्टोमीटर का यूज किया जाता है, और अभी हम बताएंगे जेल अर्थात जेल मीटर जो होता है वो किसके मापने के लिए होता है, पेक्टिन मापने के लिए, ना कि ये शुगर मापने के लिए होता है। जेल मीटर किसके मापने के लिए होता है, पेक्टिन मापने के लिए होता है। और उसके अलावा एक ये भी है कि इस्टीमेशन ऑफ द शुगर, तो शुगर के इस्टीमेशन के लिए हम सेफर माइक्रो मेथड का यूज करते हैं, सेफर माइक्रो मेथड का यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, शुगर के इस्टीमेशन के लिए। तो ये कभी कभी पूछा जाता है सेफर क्या नाम का, सेफर माइक्रो मेथड किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो हम किसी भी प्रोडक्ट में शुगर के इस्टीमेट करने के लिए कि इसमें शुगर की कितनी मात्रा है उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अब जैम, तो अब हम बात करने वाले हैं जैम क्या होता है और जेली। तो जैम सबसे पहले, तो जैम इज ए प्रोडक्ट मेड बाय बॉइलिंग फ्रूट पल्प। तो यहाँ आप देखिए इस डेफिनेशन में ये आपको देखना है कि बॉइलिंग तो ठीक है, फ्रूट पल्प अर्थात ये क्या होता है कि फ्रूट पल्प होता है, जैम क्या होता है, फ्रूट पल्प होता है विथ सफिशियंट शुगर, अर्थात सफिशियंट शुगर में हम जब फ्रूट पल्प को जो है बॉयल करते हैं तो उससे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैम। जैसे कि आपका एप्पल पपाया मैंगो हुआ, ये काफ़ी सूटेबल होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब इसका जो कंस्टिट्यूंट हम अगर देखें तो इसका जो पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैम में, जैम का में एसिड एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो जैम में एसिड की मात्रा जो एक सही जैम होगा उसमें 0.5 से 0.6% तक एसिड पाया जाना चाहिए। उसमें क्या नाम का TSS की मात्रा ये भी पूछा जाता है, उसमें TSS की मात्रा कितनी पाई जाए, टोटल सालबुल सॉलिड, TSS को क्या बोलते हैं, टोटल सालबुल सॉलिड, तो टोटल सालबुल सॉलिड की मात्रा 68% पाई जानी चाहिए। उसमें फ्रूट की मात्रा क्या होगी, फ्रूट की मात्रा 45% पाई जानी चाहिए, क्योंकि जैम जेली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी याद रखना पड़ेगा आपको कि एसिड की मात्रा 0.5 से 0.6% तक, शुगर की मात्रा 40% तक, TSS 68 होता है आपका जैम का, और फ्रूट का की मात्रा कितनी होती है 45%। तो ये आपका हो जाएगा मेजर। तो अगर TSS 68 है तो जनरली 3.4 कह सकते हैं, या 3.2 जो होता है इसका pH मान कितना होगा, 3.2 होगा, इसका pH मान कितना होगा, 3.2। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका pH मान कितना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इसको हम जैम के फ्लो चार्ट के माध्यम से कि कैसे जैम हम तैयार करते हैं। तो इससे पहले कि जैम में प्रॉब्लम पाई जाती है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर शुगर की मात्रा 30% से कम हो गई तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और अगर शुगर की मात्रा 50% से ज़्यादा हो जाती है आपकी जैम में तो वो हनी लाइक हो जाते हैं, अर्थात मधु जैसा हो जाता है, उस तरीके का हो जाता है। तो ये होता है। उसके बाद गमी अर्थात ये गम की तरह दिखने लगता है और माइक्रोबियल स्पाइलेज होता है। तो ये सभी जैम के प्रॉब्लम हैं। अब फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि जैम कैसे तैयार करेंगे। तो जैम तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या है, ड्राई फर्म फ्रूट लिया, उसके बाद उसको हम वॉश करेंगे, फिर उसके बाद पीलिंग, पीलिंग को हमने बताया है जैसे ले पीलिंग, फ्लेम पीलिंग, इस तरह की पीलिंग, तो ये क्रिया हो जाएगी। उसके बाद हम पल्प, पल्पिंग अर्थात हम पल्प तैयार करते हैं रिमूविंग सीड एंड कोर, अर्थात उसके जो सीड होते हैं उसको रिमूव करके हम उसको उसका पल्प तैयार करते हैं, उसको काट पीट के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें शुगर ऐड करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे 45%, मतलब अगर क्या नाम का, अगर 1 kg आपका फ्रूट है तो उसमें 450 ग्राम हम क्या मिलाएंगे, शुगर मिला देते हैं। अब 450 ग्राम शुगर मिलाने के बाद हम उसको बॉयल करेंगे, अर्थात उसके बाद हम उसमें पानी मिला के और उसको हम बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद बॉयलिंग के बाद हम क्या मिलाते हैं, एडिशन ऑफ साइट्रिक एसिड। तो ये पूछा जाता है कि हम जैम या जेली में कौन सा एसिड मिलाते हैं, तो साइट्रिक एसिड, जैसे टोमेटो सॉस को अगर हमें फ्रीजर में रखना है तो उसके लिए हम एसिटिक एसिड मिलाते हैं, लेकिन हम इसमें कौन सा एसिड मिलाते हैं, साइट्रिक एसिड मिलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद जजिंग ऑफ द एंड पॉइंट, हम उसके एंड पॉइंट को कि हमारा जो जेली है वो तैयार हो गया है कि नहीं हो गया है, तो उसको हम जज करने के लिए एक तो होता है कि 105°C टेम्परेचर, अगर आपका जो जेली जैम है अगर वो
जब बॉयल कर रहे हैं, तो अगर वो 105 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि हमारा जैम तैयार हो चुका है। या अगर TSS जो है वो 68 से 70% तक हो गया है तब भी हम कहेंगे कि हमारा जैम तैयार है। और तीसरा जो मेथड हो जाएगा शीट टेस्ट मेथड, अर्थात हम अगर उसे किसी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ पे, जैसे कि बर्तन है या मतलब कि कोई भी चीज़ है, या चम्मच के माध्यम से उसको हम अगर निकाल के किसी चीज़ पे रख देते हैं और वो क्या नाम का एक शीट, एक परत बन जा रहा है, तो उसको हम, इसका मतलब है कि हमारा जो जैम है वो तैयार है। अगर वो लिक्विड की तरह हमने किसी पदार्थ पे उसको रखा और वो मतलब लेप पेस्ट की तरह न बन के वो क्या नाम का लिक्विड की तरह हो गया है, तो अभी इसका मतलब है कि हमारा जैम तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हमारा जैम तैयार हो गया तो उसको हम स्टरलाइज बॉटल में रख देते हैं, उसके बाद कूलिंग, वैक्सिंग, उसके बाद कैपिंग और स्टोरेज। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना है कि जजिंग एंड पॉइंट के लिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए, TSS इतना होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, साइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर देखें तो जो इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो इसमें ये क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिया होती है, और ये मेजर, ये हमने जो TSS की मात्रा बताई, TSS कितना होना चाहिए 68%, शुगर 40%, एसिड कितना होना चाहिए 10.5 से 10.6%। अब हमारा सेकंड जो है वो जेली है, जेली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हमारा सेकंड जो होगा वो जेली होगा। तो जेली में क्या होता है, जेली इज द सेमी सॉलिड प्रोडक्ट, अर्थात जेली क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट प्रिपेयर बाय बॉइलिंग ए स्ट्रेन सोल्यूशन ऑफ पेक्टिन कंटेनिंग फ्रूट एक्सट्रैक्ट, अर्थात जो हम फ्रूट होता है जिसमें पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं जेली बनाने के लिए। इसलिए हम गुआवा हुआ, करौंदा हुआ, इन सभी का यूज जनरली ज़्यादा करते हैं जेली बनाने के लिए, क्योंकि इसमें मेजर जो कंस्टिट्यूएंट होगा तो वो क्या होगा, आपका पेक्टिन होगा। तो पेक्टिन को हम, क्या होता है कि ये बॉयल करके हम जो है फ्रूट को बॉयल करके और उसको पेक्टिन को जो है हम स्ट्रेन करते हैं अर्थात निकालते हैं, तो जो सोल्यूशन हमें मिलता है, मतलब कि जो हमें मिलता है सोल्यूशन, वही उसमें हम क्या करते हैं कि पल्प, जो इसमें मेजर ये होता है कि जैसे कि जैम में होता है वो फ्रूट पल्प उसमें रहता है, लेकिन इसमें फ्रूट पल्प को हम निकाल देते हैं, उसके बाद हम उसमें शुगर और एसिड जो है वो मिला देते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो जैसे इसमें एसिड हम मिलाएंगे तो एसिड की मात्रा कितनी होती है, 10.5 से 10.75। जैम जेली का आपको 100% याद रखना है, और किसी के याद हो या ना हो, लेकिन जैम जेली का एसिड कितना होता है तो 10.5 से 10.75% तक होता है, ये करेक्ट यही पूछा जाता है। और शुगर की मात्रा जो होती है आपको जैम में बताया गया था 67%, और शुगर की मात्रा जेली में कितनी होती है, 65%। 65% में आपका pH वैल्यू कितने होगा, 3.2 होगा, और अगर वो 67% जो बताया गया था, 68%, उस पर आपकी pH वैल्यू 3.8 होती है, 70% पे pH वैल्यू 3.4 होती है। तो ये भी पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, 65% अगर आपका शुगर है तो उसमें क्या है टोटल सॉल्युबल सॉलिड कह सकते हैं। तो ये आपका TSS अगर है तो अगर उसका जो pH मान होगा वो 3.2 होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि पेक्टिन की मात्रा, पेक्टिन कितना होना चाहिए तो 10.5 से 1%, अगर पेक्टिन है किसी भी फ्रूट में 10.5 से 1% तक अगर पेक्टिन पाया जाता है तो गुड फॉर, इसकी क्वालिटी जो होगी वो जो प्रोडक्ट हो आपका जेली बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। उसके बाद उसकी क्या आवश्यकता होती है, वाटर, अर्थात हमें जेली बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो एसिड होगा, दूसरा शुगर होगा, तीसरा पेक्टिन की आवश्यकता होती है जो हमें फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्राप्त होती है, और फोर्थ जो होता है वो वाटर है। तो इसमें ये याद को याद रखना है, 6.5 पे 3.2 pH होता है और 70 पे 3.4 pH होता है। अब जैसे इसमें पेक्टिन की बात आ रही, तो फ्रूट या वेजिटेबल में जो टफनेस पाया जाता है, फर्मनेस पाया जाता है, अर्थात जो गठीला गठा हुआ रूप पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है, वो कैल्शियम पैक्टेट के कारण पाया जाता है। और ये कैल्शियम पैक्टेट जो है, जब इस पे PME एंजाइम अर्थात पेक्टिन मिथाइल स्टरेज एंजाइम, अर्थात पेक्टिन मिथाइल स्टरेज एंजाइम जब उस पे क्रिया करता है, एक्टिव होता है, तो इसका जो टफनेस है अर्थात जो
लूज कर देता है, जो आपका ऊपरी कवर होता है उसको क्या कर देता है, वो लूज कर देता है। तो ये क्रिया करता है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है। पीएमबी और कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है। उसके बाद हम पेक्टिन टेस्ट करते हैं। तो पेक्टिन टेस्ट, जैसे कि इसमें बताया गया कि जनरली 1% तक पेक्टिन होना चाहिए, तो पेक्टिन टेस्ट हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए जेल मीटर होता है और एल्कोहल टेस्ट। तो ये पूछा जाता है, जेल मीटर क्या है? जेल मीटर, जेली मीटर, यह कभी बार पूछा जाता है। तो जेल मीटर हम पेक्टिन टेस्ट के लिए करते हैं, उसके बाद एल्कोहल टेस्ट के माध्यम से भी हम पेक्टिन के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है, हम जेली इंड पॉइंट कैसे जानेंगे कि हमारा जेली जो है वो तैयार हो चुका है? तो जेली तैयार होने के पीछे हमने, जैसे कि अभी इसका देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, तो जेली जैसे जब तैयार हो गया, तो उसके लिए हम शीट टेस्ट कर सकते हैं, या ड्रॉप टेस्ट कर सकते हैं, या टेम्परेचर। अर्थात अगर इसमें टेम्परेचर जो है वो 105 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जेली तैयार हो गया है। या शुगर की मात्रा, अर्थात टीएसएस की मात्रा अगर हम बात करें, अगर 65% तक टीएसएस है, तो इसका मतलब है कि हमारा जेली जो है वो तैयार हो गया है। तो जैम में जो शुगर की मात्रा पाई जाती है वो 68% पाई जाती है, और जेली में 65% पाई जाती है। इसका जो पीएच मान होगा, कहेंगे कि वो जो है, अगर 68% है, 3.4 के करीब होगा, और ये 3.2 के करीब होगा। तो ये आपको 100% याद रखना है। उसके बाद जेली में एक प्रॉब्लम होती है, सिनर्सिस या वीपिंग ऑफ जेली। ये बीएचयू में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जेली में वीपिंग क्रिया क्यों होती है, सिनर्सिस। अर्थात ये वीपिंग मतलब, उसमें जब जेली रखते हैं तो उसमें पानी निकलने लगता है, अर्थात उसमें पानी निकलने लगता है, तो उसको हम वीपिंग, अर्थात वो कह सकते हैं कि रोने की क्रिया, क्योंकि पानी निकलता है, तो इसीलिए ये नाम दिया गया। तो ये क्यों होता है? तो इसके लिए तीन रीजन है। एक तो ये हो सकता है कि एक्सेस ऑफ एसिड, अर्थात अगर एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो भी वीपिंग की क्रिया होती है, या लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, अगर शुगर की मात्रा आपके जेली में जितनी होनी चाहिए उससे कम है तो भी उसमें वीपिंग की क्रिया होती है, या प्रीमैच्योर जिलेटिनस। तो अगर प्रीमैच्योर जिलेटिनस है तो उसकी वजह से, तो इसमें यही जो होगा, एक्सेस ऑफ एसिड, ये ऑप्शन में दिया जाता है जनरली। तो एक्सेस ऑफ एसिड इज द मेजर काजेज ऑफ, कह सकते हैं कि मेजर काजेज ऑफ वीपिंग इन जेली। तो ये आपको याद हो गया कि सिनर्जेसिस या वीपिंग जेली में क्यों होता है, तो वो किसके कारण होता है? एक्सेस ऑफ एसिड के कारण, या लो कंसनट्रेशन ऑफ शुगर के कारण होता है। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे जेली बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रूट का सिलेक्शन किया, फिर उसको धुला, फिर उसको हम स्मॉल स्लाइसेस में क्या है, कटिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको बॉयल करते हैं, जैसे कि हम क्या, अब इसमें पेक्टिन निकालने के लिए, तो हम बॉयल करेंगे, बॉयल विथ वाटर। जनरली हम क्या करेंगे, वन मतलब कि 20 से 30 मिनट के लिए जो वाटर होगा वो आपका जो फ्रूट है उसके वेट से 1.5 गुना, अर्थात 1/1/2, अर्थात 1.5 गुना जो होता है। जैसे कि अगर आपका फ्रूट जो है 1000 ग्राम का है, तो आपका जो वाटर होगा वो 1500 ग्राम, अर्थात 1500 ml होगा। तो इसके बाद हम क्या नाम को बॉइलिंग करते हैं, फिर एडिशन ऑफ साइट्रिक एसिड। तो ये भी चीज़ें देखिए, 2 ग्राम पर kg सीड पर kg प्रोडक्ट के हिसाब से हम साइट्रिक एसिड जो है वो डालते हैं। तो ये पूछा जाता है साइट्रिक एसिड, और कितने मात्रा डाली जाती है, तो 2 ग्राम, अर्थात पर केजी फ्रूट प्रोडक्ट में, जैम जब हम बना रहे हैं तो उसमें हम 2 ग्राम डालते हैं साइट्रिक एसिड। उसके बाद स्ट्रेनिंग ऑफ स्ट्रेक्ट, अर्थात हम छान लेते हैं, मतलब कि उसको हम चलने, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो माध्यम है उस माध्यम से हम क्या नाम का स्ट्रेट कर लेंगे, निकाल छान। उसके बाद है पेक्टिन टेस्ट। अब हम पेक्टिन टेस्ट करेंगे। पेक्टिन टेस्ट के लिए हमने बताया है जेल मीटर हुआ या एल्कोहल टेस्ट हुआ, एडिशन ऑफ शुगर। अब उसके बाद हम शुगर की मात्रा उसमें ऐड करेंगे, तो जनरली 40 से 45% तक शुगर। उसके बाद अब शुगर मिला के, जैसे कि हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्रूट में ही, फ्रूट पल्प में ही हम शुगर मिलाते हैं, लेकिन यहाँ हम उसके एक्सट्रेक्ट में जो है मिलाएंगे। उसके बाद हम उसमें शुगर मिलाएंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे, फिर उसके एंड पॉइंट को हम जज करते हैं। उसके बाद जब हम एंड पॉइंट को जज करेंगे, जज के लिए जो टेम्परेचर हमने बताया था 105 हुआ या सीटी टेस्ट हुआ, उसके बाद हम रिमूवल ऑफ फोम,
तो फोम को हम, फिर उसके बाद कलर एंड रिमेनिंग साइट्रिक एसिड अर्सल, उसके बाद अगर हम जेली में आर्टिफिशियल रूप से कलर डालना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल रूप से हम उसमें कलर डाल सकते हैं। उसके बाद वैक्सिंग, अर्थात हम उसकी जो बॉटल है उसको हम क्या नाम का वैक्स लगा देंगे, उसके बाद कैपिंग कर देंगे, फिर स्टोरेज कर देंगे। तो ये पूरी क्रिया क्या हो जाएगी आपका, पूरी जो क्रिया है ये जेली बनाने की प्रक्रिया है, कि जेली कैसे बनता है और जेली से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सभी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो हमारा होगा, ये जैसे कि है कुछ चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, जैसे आपका आरटीएस हुआ, तो आरटीएस में फ्रूट जूस की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है, और टीसस तो आरटीएस में 10-10। तो ये तो हॉर्टिकल्चर का जो एग्ज़ाम देगा उसमें क्वेश्चन के पूछे जाने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। उसके बाद नेक्टर हुआ, नेक्टर में आपका टीएसएस 15 होगा, और जो फ्रूट जूस होता है वो 25 होता है। स्क्वैश हुआ, कॉर्डियल हुआ, सिरप हुआ, इन सभी में जो होता है फ्रूट जूस की मात्रा कितनी परसेंट होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए। तो इसमें हमें मेजर जो देखना है, जैम हुआ, जेली हुआ, ये तो 100%। तो जैम जेली में फ्रूट जूस की मात्रा, अर्थात फ्रूट की मात्रा 45% होगी, उसका हमने ये बता ही दिया है। टीएसएस जैम का 68% और जेली का 65%, और एसिड की मात्रा 0.5 से 0.7% तक पाई जाती है। उसके बाद केचप हुआ, केचप में 28% टीएसएस होता है। सॉस होता है, सॉस में का जो पीएच वैल्यू होता है 1 से 2 होता है, सॉस का पीएच वैल्यू काफ़ी हाई होता है, 1 से 2%। तो ये हो गया, इसमें बस यही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव की। प्रिजर्वेटिव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरली जो प्रिजर्वेटिव पूछा जाता है, जैसे कि आपका ये है, या तो ये पूछा जाएगा कि फ्रूट सिरप हुआ, या फ्रूट जूस हुआ, या स्क्वैश हुआ, तो इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, या इसे हम KMS कहेंगे, और बेंजोइक एसिड की मात्रा कितनी थी, ये दोनों आपको याद रखनी है। फ्रूट जूस और फ्रूट सिरप में सल्फर डाइऑक्साइड 350 और बेंजोइक एसिड 600, ये बस आपको याद रखना है, ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जैम जेली के, तो जैम जेली में 400 KMS का यूज करेंगे, और बेंजोइक एसिड का यूज कितना करेंगे, 200, अर्थात ये 200 आपका क्या हो जाएगा, PPM है। तो ये सभी क्या है आपके, PPM है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 200 PPM है। तो 200 PPM बेंजोइक एसिड हम यूज करते हैं, अर्थात 0.2 ग्राम जैम जेली में। उसके बाद बात करेंगे हम RTS में, RTS में भी 70 के करीब है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा तो टोमेटो सॉस हुआ, टोमेटो सॉस में पूछा जाता है 750 बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कलरिंग जो होता है डिसकलरिंग क्रिया कर देता है, तो इसलिए हम इसमें यूज नहीं करते। तो ये भी पूछा जाता है, तो इसमें हमने जो बताया है रसायन के कितने PPM में, तो इसमें बस ये याद रखना है बेंजोइक एसिड 750, उसके बाद जैम जेली में दोनों का 40 और 200 PPM। उसके अलावा अगर आपका याद कर पाए तो ये 350 से 600, इसके अलावा अगर याद कर पा रहे हैं तो याद करिए, लेकिन इससे इतना तो मिनिमम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यही पूछे जाते हैं बार बार, रिवाइज होते हैं। तो ये पूरा हमारा हो गया फूड प्रोसेसिंग। इसमें अगर कुछ मैटर और बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अभी तो जैसे कि अगर हमें पिकल्स बनाना हुआ, उसके बाद अदर्स जो कैंडी हुए, मार्मलेड्स हुए, ये सभी चीज़ें, तो इन सभी से क्वेश्चन विशेष नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, एक पेपेन है, तो पेपेन जो आपको प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, पपाया से, उसके लेटेक्स, उसके मिल्क से जो है हम क्या नाम का पेपेन निकालते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जैम जेली हो गया, कैनिंग क्रियाएँ हो गई, उसके बाद जो भी मेजर फूड प्रोसेसिंग से इम्पॉर्टेंट थे उनको हमने बता दिया है। अगर किसी को लगता है कि कुछ छूट रहा हो तो मैसेज करें, तो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरी तरफ से ये सफिशियंट है मैटर, तो